तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग हैं जागरेब से काफ़ी बाहर जदार। तो यहाँ पे थोड़ा सुनसान है यार, जागरेब जैसा माहौल नहीं रहता है। तो जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ पे सुनसान है और अच्छी जगह है हालांकि। तो यहाँ पे जो है कि काम हम लोग का ज़्यादा चल रहा है, जागरेब से बाहर ही बाहर चल रहा है। तो आजकल जागरेब से बाहर ही बाहर रहते हैं, अभी जदार में हैं, उसके बाद मोटर चले जाएँगे, मोटर से टीसनों चले जाएँगे, टीसनों से जो है कि सिबर्निक जाना है। तो अभी काफ़ी हम लोग यहाँ पे इधर ही काम कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि काम हम लोग का बाहर अभी इस समय ज़्यादा है। हो सकता है कि 2-3 महीने हम लोग बाहर ही बाहर रहे और जो है कि यहाँ पे टाइल्स का काम खूब है हम लोग का। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे काम ज़्यादा रहता है, यहाँ पे जहाँ भी जाते हैं हम लोग नई जगह पर, तो नई नई जगह पर नए नए लोग मिलते हैं और जॉब का डिमांड भी करते हैं बंदों के लिए। तो जो स्किल्ड वाले बंदे होते हैं उनके लिए हमेशा यहाँ पे काम रहता है। तो आप चाहे कोई भी स्किल्ड काम करते हैं, चाहे टाइल्स मेसन हो, पेंटर हो, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहता है एनी टाइम। बाकी वैसे तो यहाँ का ठीक है, यहाँ का देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ का माहौल दिखाता हूँ आपको, सुनसान है। अभी इधर देखिए रोड है, रोड पर गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही हैं। ऊपर से यहाँ पे देखिए तो सुनसान है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट में आए थे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आने के लिए लोग आजकल जो है कि काफ़ी डिमांड है क्रोशिया का। तो जो लोग आते हैं यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमा पाते हैं, पैसे कमा लेते हैं और फ्यूचर के लिए भी सही हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कंट्री सेनगन जोन में है, सेनगन हो चुका है 2023 से, तो काफ़ी डिमांड है यहाँ पे बाकी कंट्रियों की अपेक्षा, जैसे इटली, पुर्तगाल और बड़ी कंट्रियों की अपेक्षा यहाँ पे भी अच्छा खासा जॉब है और अच्छा खासा सैलरी भी है। तो काफ़ी लोग यहाँ से जो गए थे इटली, पुर्तगाल, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया क्रोशिया में ठीक है, वहाँ पर सैलरी बन जाती है और वहाँ पर कमाई भी हो जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, टाइल मेसन, स्टील फिक्सर, मेसन, प्लास्टर का काम, फसादा का काम वो लोग करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिमांड है यहाँ पे। सैलरी भी अच्छा खासा मil जाता है, 900 से लेके 1000 यूरो तक पर महीने का बंदे को मिल जाता है। बस इतना ही है कि जो खर्चा रहता है ना खाने पीने का, वो अपना खुद करना पड़ता है, बाकी एकोमोडेशन जो है कि कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो कंपनी प्रोवाइड कराती है, बाकी आने जाने के लिए कंपनी गाड़ी दे देती है, गाड़ी प्रोवाइड कराती है, आप अपनी गाड़ी से आइए और जाइए। जो लोग ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा रहता है, उनके हाथ में गाड़ी हो जाती है तो अपने गाड़ी से आना और अपने गाड़ी से जाना, ये सब लगा रहता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी कंट्री है, मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ भाई क्रोशिया आइए, कम बजट में आ जाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा पैसे भी नहीं बाकी कंट्री की अपेक्षा, ज़्यादा यहाँ पे पैसे भी नहीं लगता है बाकी कंट्री की अपेक्षा, यहाँ पे कम पैसे लगता है और जो है कि काम हो जाता है, प्रोसेसिंग टाइम 5 से 6 महीने लग जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वैसे तो वर्क परमिट का ज़्यादा पैसे नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बीच में इन्वॉल्व रहता है, कोई भी रहता है बंदा, अगर आपका काम कराएगा तो पैसे चार्ज करेगा, तो इसलिए पैसे यहाँ का थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर कोई डायरेक्ट अगर आपको हायर करता है तो बहुत कम बजट में आपका काम बन जाता है, अगर उसी में कोई 2-3 लोग इन्वॉल्व हो गए तो आपको पैसे बढ़ जाता है, यही रीज़न होता है कि ज़्यादा लोग पैसे का डिमांड करते हैं। अगर एक माध्यम से रहेगा तो इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों का सवाल है वीज़ा के ऊपर की, बोलते हैं कि वीज़ा इतना टाइम में लगता है और इतना कौन इंतज़ार करेगा। तो देखिए भैया यहाँ पे अगर आपको आना है क्रोशिया के अंदर तो आपको वीज़ा के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है 3.5 से 4 महीने अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, 3.5 से 4 महीने चल रहा है। और यहाँ पे जो है कि वीज़ा रेशियो अच्छा है, 99% वीज़ा रेशियो है, बहुत कम रिफ्यूजल लोगों का होता है, रिफ्यूजल उन लोगों का होता है जिन लोगों का कुछ वर्क परमिट फेक होता है या कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होता है, उन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज होता है, बाकी सबका वीज़ा लग जाता है। अभी तक जितने भी हमारे जान पहचान के हैं जिनका भी सबमिशन हुआ है 100% का वीज़ा लगा है। तो ठीक है अभी चलते हैं हम दूसरी तरफ और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और कैसा है यहाँ का व्यू, ठीक है।
तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दूसरी तरफ, दिखाते हैं आपको, ठीक है? ओके। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा है, अच्छी कंट्री है और यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती रहने के लिए और जो भी काम चाहिए उसके काम के बारे में आपको। हालांकि थोड़ा सा जॉब यहाँ पे हार्ड है, कुछ अलग है। तो जो लोग जैसा काम करते हैं उनको ऐसा सैलरी मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो काम के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। वही चीज़ अगर हम कोई स्किल का मास्टर रहता है, जो लोग काम करते हैं उनका बेहतर सैलरी मिलता है, ठीक है भैया? जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, देखिए यहाँ पे सुनसान है रोड और यहाँ पे थोड़ा सा घूम के आते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा है, पूरा घर भी टूटा फूटा हुआ है, ये पूरा जंगल की जैसा है, सब पुराने पुराने घर हैं। हम लोग सिटी से काफी दूर हैं, 35-40 किलोमीटर सिटी है यहाँ से।